गुड मॉर्निंग। तो सारे काम वाम सब हो चुके हैं, मैं और परी नहा चुके हैं। और पता नहीं शर्ट पे ना कुछ ज्यादा ही वाइट 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 होते जा रहे हैं, पूरी खराब होती जा रही है, ऐसा लग रहा है नजर लग गई है। सब पूछते रहते थे, तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी। मैंने अपना साटन का बेस निकाला है, परी को ऑलरेडी रेडी करा दिया है, और मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल जगह पे। गौतम मना से काफी दिन से बोल रही थी, बट उनको नहीं टाइम मिल पा रहा था, तो आज मेरी मम्मी ने रवि को बोला है, क्योंकि मैंने जब रवि को बोला तो रवि ने मना कर दिया, बट अभी रवि मान गया मम्मी के कहने पे, तो रवि आ रहा है। और बहुत ही स्पेशल जगह है, तो पूरे व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अपना ये साटन का 4 मीटर का सूट और ये मेरी शिमर वाली ओढ़नी ओढ़ी है, ये सब पे चल जाती है, जो ये बेबी पिंक कलर का होता है। और रवि भी आ गया, वो खड़ा पीछे, बट ब्लर आ रहा है क्योंकि मैंने सिनेमैटिक ऑन किया हुआ है। ओहो, इतना खूबसूरत कैसे आ रहा है तू? मेरा भाई है ही स्मार्ट। एप्पल खा लो फ्रेंड्स। तो आगे बोल रहा, भूख लग रही है, कुछ बनाया है क्या तूने? तो मैं कह, तू बताता है यार, तू कुछ खा के नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ऑलरेडी कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे, तो मुझे लगा ये कुछ खा के आएगा। तो मैं क्या एप्पल वगैरह कुछ खा ले, फ्रूट्स रखे, तो बस अब निकल रहे हैं, एप्पल फिनिश कर ले अपना। और हम परी का सोच रहे हैं, परी को ले जाएं कि नहीं, क्योंकि बाइक पे उसे हवा लग जाएगी। देखती हूँ ले जाते हैं कि नहीं, इसको क्या करना है इसका। और मैं आप लोग बता रही थी, मैं एक बहुत स्पेशल जगह जा रही हूँ, और वो स्पेशल जगह है, मैं आई हूँ अपने बुआ ससुर। इधर देखो, इधर देखो, तो ये है मेरे पापा की सबसे बड़े वाले बुआ सा, जो सेकंड नंबर वाले थे गुलाब बुआ सा, उनसे आप गांव में मिले थे, तो ये सबसे बड़े वाले हैं, ये यहाँ पे ही रहते हैं, काकीसा के साथ रहते हैं, काकोसा का घर है जयपुर में, ये काकीसा है हमारे, और ये इनकी गुड़िया है, इधर वो परी खेल रही है गुड़िया के साथ, जब से ये खेल ही रही है यहाँ पे। बुआ राम राम कर दो इसमें, कौन सा राम राम, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, राम राम बोल दो। राम राम भाई। तो ये मेरे दादो सा से भी बड़े हैं, जो मेरे दादो सा थे, आप लोग सब मिले हुए उनसे, तो उनसे भी बड़े हैं, और रियल सिस्टर है मेरे दादो सा की। वो तो देख थोड़ा सारा घर चीन में, तो मेरे ससुराल वालों को भी सबको जानते, तू नहीं का कह रहे कि झीन में मैं सबसे मिली हुई हूं। ना जद नजर रही नहीं मैं देखी उड़ी से, कह दिए तू नु दादी। और इनसे बहुत टाइम बाद मिले हैं, जब दादू सा शांत हुए थे मेरे, तब आए थे ये एक दिन के लिए, तभी मिले थे, और काफी दिन से सोच रही थी आने का आने का, बट टाइम ही नहीं लग पाया था। फाइनली आज रवि को पकड़ के लाई हूँ, मैं मम्मी से बोला मम्मी रवि को बोलो, तो अब रवि आया है। ये रवि तो आया सन दिन में, मैं आई हूँ, ये मन बोली बात रिवाड़ी होकर गयो, अब मैं आई पे चेक कोट होके, फिर एक महीना पीछे आई मैं यम पूर्ण मई। लेकिन ये वो आपको है बोले भाई बीमार से रवि तो नहीं ले जाएगा कैसे। अच्छा, पिटाई करेंगे इसकी। अच्छा। लेकिन यहाँ आपको तो बहुत अच्छे हैं बुआ सा। और जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरा जापा भी बुआ नहीं करा था, बुआ ही आए थे मेरे जापे में ना, आप ही आए थे ना, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और इन्होंने अपना जी ऊपर कर रखा है, बबली बड्डी से फिर नीतू, नीतू भी पेट में, अरे को प्यार तो जले करना को, और या रमेश भी किस भाई को, महेश भी पेट में, और मेरा बबली तो हो गई थी, बबली भी अब आर तबे इन कौन करे कौन करे, किसे मेरा सोमोती करियो, सोमारो थी वो नत्थू की बहू, और ये तो पीछे सब याद है हुआ सा को, तो जब नीतू दी नहीं हुए थे तो उससे पहले की कहानी बता रहे हुआ सा, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो इन्होंने थोड़ी सी इनकी तबीयत खराब हो रही है, कल से जी उठा रखा है इन्होंने, ऐसे होता ना अपने भाई ने जी उठा रखा से, पहले माउस थी ना मंगेशर की, जब भवानी कार्ड में बोले कि डोला सा तू माउस कार्ड है ना, कैसा माउस कार्ड हूँ, अब कार्ड लियो सब कार्ड लियो, जब नु मन माई एक मको 12 महीना हो गया सब, कोई बात नहीं, तो हुआ जिसकी जितनी लिखी है उतनी, कोई बात ऐसे नहीं करते, कोई नहीं, मैं आती रख रहा हूँ, मेरे को घर का पता चल गया ना, मैं आती रख रहा हूँ मिलने। अच्छा। पापा आएंगे, पापा भी मिल लेंगे। अच्छा।
ਜੇ ਬੇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾ ਤਾਂ ਖੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਦਿਖੋ ਨਾ ਹਾਂ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਪੂਛ ਲੈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲੇ ਉਗਾ ਅਰੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਨੀਤੂ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ ਹੋ ਗਏ ਨੀਤੂ ਕਿਹਦੀ ਬੜਿਆ ਰੇ ਨੀਤੂ ਔਰ ये देखो ये बीज बीज में कौन घुस रहा है ये बच्चा बीज में घुस गया क्यों भाई किचके पास आया है बूढ़ी नानी पास है क्या कॉल कर रहा हूँ तुझे वीडियो कॉल में ऑन कर ले और बुआ से बात करवा ले चले क्या परी ओ जीजी पीछे लेके आया पीछे परी पीछे नहीं मैं दूंगी पैसे ऐसे नहीं करो चॉकलेट मंगा लेना भैया ऐसे नहीं करो इसे अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगे गलत चीज है नहीं वो है ना अच्छे से रह लो ना ध्यान रख दवाई लेना अपना अच्छे से रहना ठीक है मैं लेके चलूंगी 9 तारीख को जाएंगे बाबा के मम्मी लाइट नहीं है ना मामा जी छोटा वाला सब बीमार हो रहा है मैं चल रहा हूं मां साहब ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ ठीक होगी जब भी लेके जाऊंगी ना नहीं लेके जाऊंगी हां दवाई ले ना सुबह बाबा बिल्कुल ठीक हूं देसी दवाई चल रही है मैंने तो दिल्ली दवाई दिवाई थी 2-3 हफ्ते फिर उससे आसन नहीं तो अब देसी दवाई चल रही है उससे आसन हो गया हां ठीक है है ना तू वही पाया है मैं को वही पायो घर है हां अरे तू अब देख सबकी उम्र होगी ऐसी है सबका टेंशन मत लेना ठीक है ठीक है मंजे से गला कट गया था हमारे घर का एक लौता वारिस बच गया तू तो मेरे पास खड़ा है फिर ये चेन पूरी लगा के रखेगा इसलिए अब पतंग वतंग उड़ती है पतंग तो उड़ाए लेकिन देख के उड़ाए मैन इन ब्लैक बेसिकली हम जा रवि के काम से रहे हैं खड़ी और इसको पता नहीं है मैं यहाँ पीछे तो हम लोग आ गए घर पे रवि मेरे साथ गया था और रवि भी अपने लिए एक जोधपुरी करवा के आया है आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि बुआ सा के बेटे की शादी है तो उनके लिए रवि के पास वैसे थे ड्रेस 3-piece है उसके बट हम लोग बोले कि नहीं बारात के लिए तो तू जोधपुरी करवा ले तो रवि ने अपनी जोधपुरी कराई है तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में